हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं पहले भी, एंड आप लोग जाके मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं अगर मेरी जर्नी से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो। लेकिन आज मैं अपनी एक ओवरऑल जर्नी आपको जरूर बताऊंगी। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप ऑनलाइन मेडिसिन सर्च कर रहे हैं, अच्छी मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और जहां भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो वही सबसे पहले मैं अपनी जर्नी की बात कर लेती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए होंगे, मैं भी आप लोगों की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिसिन सर्च कर रही थी। जब मुझे गायनोवेदा के बारे में पता चला तो मैंने गायनोवेदा को मंगवाया, उसको लेना स्टार्ट किया। और गायनोवेदा की अनबॉक्सिंग से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट की थी। और मैंने यूट्यूब पर पहला वीडियो जो डाला था वो गायनोवेदा अनबॉक्सिंग वीडियो का ही था। मैंने गायनोवेदा मेडिसिन को 5 महीने लिए, 5 महीने लेने के बाद मैंने फिर उसको छोड़ दिया। फिर मैंने बहुत सारी और भी मेडिसिन ली लेकिन मुझे उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने वापस से गायनोवेदा लेना स्टार्ट किया, तो ये कंटिन्यू चला। इस मेडिसिन को लेने के 1 से 2 महीने के बाद में मेरी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में मेरा 1 से 1.5 महीने में मेरा अबॉर्शन यानी मिसकैरेज हो गया। अब मिसकैरेज होने के बाद में बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मैम आपने गायनोवेदा क्यों नहीं ले रहे हो, और जब आपको गायनोवेदा से प्रेगनेंसी हुई तो फिर आपने गायनोवेदा लेना क्यों बंद कर दिया। ये मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गायनोवेदा मैंने लेना स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं और कोई मेडिसिन ले नहीं रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने गायनोवेदा लेना स्टार्ट किया। और मुझे जो प्रॉब्लम है अभी भी है वो है फाइब्रॉइड्स की, और जो मुझे पहले थी वो है पीसीओडी की। पीसीओडी की जो मुझे प्रॉब्लम थी वो मैंने दूसरी मेडिसिन से खत्म हुई है, एंड साथ ही साथ मैंने डाइट और एक्सरसाइज वगैरह किया था। एंड मेरी जो आने वाली जो वीडियोस है वो मैं डाइट पर स्पेशली लेके आने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको डाइट कैसी लेनी चाहिए एंड किस किस तरह की प्रॉब्लम है, कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम को डाइट से ही ठीक की है। तो मैंने जब गायनोवेदा लिया और मुझे प्रेगनेंसी ठहर गई, मैंने गायनोवेदा की टीम को भी बताया कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। एंड उसके बाद में जब मेरा मिसकैरेज हुआ, मैंने अपने जो लोकल डॉक्टर है उनसे जाकर मैं मिली, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट कराए, HSG करवाए, जिसकी भी मैंने वीडियो बना के डाला। HSG करवाने के बाद में मुझे डॉक्टर ने एक ही बात बोला कि आंचल आपके एक अच्छे बन रहे हैं, आपका AMH भी ठीक है, आपकी एज भी अभी ठीक है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, आप नॉर्मल कंसीव कर सकते हो और आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मेरा एक फेरोपियन ट्यूब ब्लॉक है, मुझे फाइब्रॉइड्स की समस्या। लोकेशन बहुत मैटर करता है कि किस लोकेशन में आपको फाइब्रॉइड्स की समस्या है, सिस्ट है या आपको PCOD है, तो कौन से ओवरी में, कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मेरे जो फाइब्रॉइड्स है वो मेरे बच्चेदानी के मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये फाइब्रॉइड्स आपको असर नहीं पड़ेगा, आप नेचुरली कंसीव कर सकती हैं और आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, आप फाइन हो। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डाइट और एक्सरसाइज को मेंटेन करती हूँ, इसलिए मेरे साथ शायद इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मल्टी विटामिन्स की दवाई ले रही हूँ। अब बात करते हैं कि क्या आपको गायनोवेदा लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेडिसिन सर्च कर रहे हो तो आप गायनोवेदा की जीव मेडिसिन और आयरन फॉलिक एसिड मेडिसिन जरूर ले सकते हो, इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास आता है कि मैम हमको तो अभी तक गायनोवेदा से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक बात मैं बता दूं, फर्क तब पड़ेगा जब आप उसके साथ साथ रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करोगे, यानी आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी डेली रूटीन लाइफ को चेंज करोगे, आपको तभी फर्क महसूस होगा, सिर्फ दवाई से फर्क नहीं महसूस होता है। सेकेंड थिंग, तीसरी चीज जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी महिलाएं अपना खुद का ट्रीटमेंट करवाती हैं लेकिन अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट नहीं करवाती, इनफैक्ट उनको पता भी नहीं होता कि उनके पार्टनर को प्रॉब्लम है या नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हुई महिला सबसे पहले अपने आप में ही प्रॉब्लम ढूंढना चालू कर देती कि समस्या मेरे अंदर ही है। कई बार होता क्या है ना कि महिला में प्रॉब्लम ना हो के पुरुष में प्रॉब्लम होता है लेकिन ट्रीटमेंट महिला का हो रहा होता है, तो क्या होता है कि पुरुष का ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है और महिला का हो रहा है, तो असर कैसे होगा, कैसे बेबी होगा। तो इसके लिए जब भी आपको, अगर नेचुरली 1 साल से आप ट्राई कर रहे हो आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप जाइए अपने डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर को दोनों दिखाइए, दोनों दिखाने के बाद में आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट लीजिए। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ, काउंसलिंग।
एक कपल काउंसलिंग होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं IVF सेंटर में थी, इनफैक्ट मैं MJ मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में भी थी, तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट का काउंसलिंग ही करते हैं। काउंसलिंग इन द सेंस कि आप लोग के बीच में इंटरकोर्स कैसा होता है, आप लोग दोनों का ड्यूटी टाइम कैसा रहता है, आप लोग दोनों एक दूसरे को कितना टाइम दे पाते हैं, आपकी स्ट्रेस लाइफ है कि नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, हम हर चीज की काउंसलिंग करते हैं। अगर आपको इसी काउंसलिंग की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसमें दोनों कपल्स का काउंसलिंग होता है, जिसमें कि सॉल्यूशन निकाला जाता है, बहुत बार प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरकोर्स, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इंटरकोर्स होता है यानी फिजिकल इंटीमेंटेशन होता है, वो गलत तरीके से होता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा चीज है सेक्स, सेक्स को किस तरीके से किया जाए। बेबी के लिए अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो वो आपको किस तरीके से करना है, ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करना है, इम्प्लांटेशन को लेके भी बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, हर किसी को नहीं होती इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरीके की दिनचर्या अपनी रखनी चाहिए, आपको ओवुलेशन से पहले का समय और ओवुलेशन के बाद के समय में आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसीलिए आप गायनोवेदा की मेडिसिन लीजिए, लोकल मार्केट से मेडिसिन लीजिए या ऑफलाइन मार्केट से मेडिसिन लीजिए, डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तो इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अगर आपको इस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं अपना यहाँ पे मेल आईडी दे रही हूँ, आप मेरे मेल पे मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई गायनोवेदा का। अब अगर आप गायनोवेदा यूज कर रहे हैं तब तो आपको इसके बारे में सब पता होगा, लेकिन अगर आप गायनोवेदा यूज करने की सोच रहे हैं तो गायनोवेदा जो है ये मिनिमम आपको 8 से 12 महीने लेना होता है, और ये जो है फाइब्रॉइड्स पे वर्क नहीं करता है, PCOD पे वर्क नहीं करता है, फैलोपियन ट्यूब पे वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है आपकी ओवुलेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एग की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसके लिए ये वर्क करता है, और ये टाइमली आपको ओव्यूलेट हो पाए, आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी हो पाए, ये इसके लिए वर्क करता है। तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, इसके साथ आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना है। एंड इस मेडिसिन को लेने का जो सिंपल सा तरीका है, 2 आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है और 2 रात के डिनर के बाद लेना है, सिंपल सा 4 टेबलेट आपको एक दिन में कंज्यूम करनी है। 17 आयुर्वेदिक हर्ब से बनी हुई है और ये मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर होती है जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मेडिसिन को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने हो सकता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो या ना आए, ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो क्योंकि ये मेडिसिन जब आपके इंटरनल जाती है तो ये वर्क करने में अपना समय लेती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत ये दिक्कत हो सकती है। किसी किसी को पिंपल्स भी आ जाते हैं फेस में, एक्ने होने लगता है, तो आयुर्वेद है हो सकता है, क्योंकि बॉडी जो है हर किसी की एक जैसी होती नहीं, किसी की ठंडी बॉडी होती है, किसी की गर्म बॉडी होती है, तो मेडिसिन उस हिसाब से आपको असर देता है और उस हिसाब से ही आपको रिजल्ट देता है। बहुत लोगों को 2-2 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बहुत लोगों को 1-1 साल यूज करने के बाद भी नहीं हुई, लेकिन अगर आपको 2-3 महीने 4 महीने के बाद भी अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है या आपको कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी पे, तो आप इसके जो गायनोवेदा कस्टमर केयर है वहां पर आप कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो हाँ, मैं आज भी बोलूंगी कि आप गायनोवेदा मेडिसिन को ले सकती हैं। मैंने भी लिया था, मैं भी कंसर्न थी, लेकिन अब मेरी वैसी कंडीशन ही नहीं है कि मुझे इसको लेना पड़े तो मैं क्यों लूँ, आप ही बताओ। इसलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया और अभी मैं सिर्फ लोकल डॉक्टर्स की ही दवाइयाँ ले रही हूँ, वो भी मल्टीविटामिन सी ले रही हूँ और कुछ नहीं, और अपना पुराना वाला डाइट रूटीन ही कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी डाइट रूटीन जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, है ना। और अपना ओवुलेशन को ट्रैक कीजिए, और उससे भी बड़ी बात है गाइज, आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाली है ना। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, स्ट्रेस जितना फ्री रहिएगा उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा और रिजल्ट भी मिलेगा। तो आई होप सो, एक छोटा मोटा मैंने एक ओवरऑल आपको गायनोवेदा के बारे में बता दिया। अगर फिर भी कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, आगे की और नए नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो लाने वाली हूँ, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास आए हुए हैं तो डे बाय डे मैं उन पे लाने वाली हूँ वीडियो। तो चलिए, हम लोग ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिएगा, प्यार बांटिएगा। और हाँ, नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप मेरे पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए।